पी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज जो है फुल संडे की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी, जो जो करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है। और एज़ यू ऑल नो कि संडे जो होता है वो कपड़े धोने का भी दिन होता है, सारा करने मतलब सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो है आयरन वगैरह करने होते हैं उमेर के ऑफिस के कपड़े। सो संडे इज़ लाइक अ बिज़ी डे फॉर लाइक हर मतलब जो क्या कहते हैं वो है हाउस वाइफ है उनके लिए। और मतलब ऑफिस से तो ऑफ होता है लेकिन घर के इतने काम होते हैं कि बस। सो इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी 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 चैनल सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो है कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था जो मतलब मैंने शॉपिंग की थी, मम्मी के घर गई थी तो वहाँ से। सो अभी जो है सारा आपके साथ डिटेल के साथ जो है व्लॉग शेयर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, मैं इसका जो है वीडियो का स्टार्टिंग जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे जो है मैंने वो रिकॉर्ड नहीं की। सो ऑब्वियसली बात है संडे को तो इतना मतलब टाइम ही नहीं होता कि बंदा रिकॉर्ड कर सके। सो अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी जो है व्लॉग अपलोड करना है, एडिटिंग करनी है, इसलिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है जी सुबह का टाइम और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ आलू वाले पराठे। और इतने ही आलू पड़े हुए थे। सो मौसम भी अच्छा है, कल बारिश हुई है तो मैंने सोचा कि आलू वाले पराठे बनाते हैं। आज जो है थोड़ा डिफरेंट उसे बना रही हूँ, वरना दो रोटियाँ लेके फिर बनाती थी। सो आज जो है मैं इसी एक में ही बनाऊँगी। ये जी थोड़ा सा फ्लॉप हो गया जो पेड़े के अंदर की जो मैंने वो मिक्सचर डाला है। सो अब जो है मैं अपने तरीके से ही बनाऊंगी जैसे मैं पहले बनाती थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा जो है निकल गया है। एनी हाउ फिर ये बन ही गया है। अब जो है मैं वो दो पेड़ों वाला बनाऊंगी। ये वाला जी अब मैं इस तरह बना रही हूँ क्योंकि वो वाला जो है थोड़ा सा फ्लॉप हो चुका है, सो दैट्स वाई। और ये तो सही बनेगा ऑब्वियसली बात है। ये भी हमारे परफेक्ट बने हैं। यहाँ पे जो पराठे हैं वो रेडी हो चुके हैं और दही पड़ा हुआ था उसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है। सो आज बारिश मतलब हुई थी तो मौसम अच्छा था, इसलिए मैंने कहा कि आलू के पराठे बना लेती हूँ और संडे का दिन था। सो ये हम लोग नाश्ता करने लगे हैं और ये मैच लगा हुआ है और उमेर मतलब मैच देखते रहते हैं और साथ हसन को भी खिला रहे थे। ये है मेरी चाय और मैं चाय पी रही थी और मैं सोच रही थी क्या स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ काम। अभी से करने लगी हूँ बेडशीट चेंज और जो मैं लेके आई थी ये बिछाते हैं अभी। सो 1, 2 एंड 3 ये हो गया जी डन। और देखें बेडशीट जो मैं लेके आई थी वो वाली मैंने बिछाई और बहुत 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 प्यारी लग रही है। आज मैंने ये लाइट्स भी ऑन कर दी है मैं शशके के लिए। कहाँ तक अभी तो करके डाल दिए? नहीं नहीं अभी तो निकाल हाँ। क्या मतलब पर जाना को शूज दिखाए नहीं हूँ। अब जी ये सारा साफ करना है जल्दी से
और आज है संडे, सो फ्रिज भी साफ़ करूँगी जल्दी से। ये जी सारा साफ़ हो चुका है, अब जो है फ्रिज, और ये मैं कल लेके आई थी इधर, फ्रिज साफ़ करके। ये जो मम्मी के घर से मैं लेके आई थी तोड़ के और होम गार्डन से, सो ये पड़ा हुआ है ये, सो अभी फ्रिज साफ़ करते हैं जल्दी से। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैं इधर लेके आ गई थी, सब्जी बनाने लगी हूँ। मिक्स सब्जी मैं लेके आई हूँ, मिक्स सब्जी, सो साथ पुदीना भी है, इसकी चटनी बनाऊँगी। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं बनाना। सारी वेजिटेबल्स अभी लेके आए थे क्योंकि टमाटर भी ख़त्म थे, आलू भी ख़त्म था, सो अभी स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पर जी सालन बना रही थी और बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है, सो कपड़े सारे अंदर रखने, अभी मैंने अंदर रखे हैं और सारे जो हैं ये मैंने ड्राइंग रूम में ला के फैला दिए सारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई है, साथ साथ ये काम भी लगा रहता है कपड़े जो हैं सारे, और आधे जो हैं अपने रूम में रख लिए हैं। संडे जो होता है ना बहुत ही बिजी डे होता है, क्योंकि एक संडे छोड़ के दूसरे संडे मैंने कपड़े धुलवाने होते हैं, उसके बाद घर का काम सारा, खाना बनाना, सो संडे इज़ अ लाइक बिजी डे फॉर मी। और मतलब ऑफिस से तो ऑफ होता है एक दिन, लेकिन ऑफिस के बाद डेली घर के कामों से ऑफ तो नहीं होता। ये भी हो गया है डन, और अब कट करेंगे, और मसाला भी जो है ऑलमोस्ट डन होने वाला है। टाइम काफ़ी हो गया है क्योंकि नमाज भी पढ़नी है, और साथ साथ किचन भी साफ हो गया है। यहाँ पे जी बना रही हूँ चटनी, सालन की सूरत हाल ये है, ये भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। हमारा खाना जी रेडी हो चुका है और ऑयल भी आके, सो धनिया नहीं है वरना मैं धनिया डालती, इसके ऊपर अभी गरम मसाला डाल के जो है थोड़ा सा दम लगाऊंगी और रेडी हो जाएगा हमारा खाना। सो